नमस्कार विकास, और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा जानकारी देंगे झारखंड के ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटिव। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है, फाइनल अप्रूव हो चुकी है, पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फाइनल अप्रूव लगातार बहुत लोगों को हो चुका है, बहुत लोगों को कल पैसा भी मिल चुका है, ठीक है। अलग अलग जिलों में एक बार अभी अपना बैलेंस को चेक कर लीजिएगा, फाइनल अप्रूव हो चुका होगा तो। और हम इस वीडियो में जानेंगे किस किस जिला में फिलहाल स्कॉलरशिप पैसा जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपको भी पैसा का इंतज़ार हो स्कॉलरशिप को, तो आपको भी समझ में आ जाए कि आपको पैसा मिलने में देरी होगा या जल्दी ही मिल जाएगा, आपके ज़िले में पैसा अवेलेबल है स्कॉलरशिप को बांटने के लिए, आवंटन अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए आपको ई कल्याण के पोर्टल पर आपको आना है, और आने के बाद यहाँ पे सब अलॉटमेंट लेटर इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। आपको नीचे आते जाना है, यहाँ पे डेट बाई लेटर, यहाँ पे सब, आप यहाँ पे सब अलॉटमेंट लेटर का यहाँ पे डेट सब दिख रहा है, और यहाँ पे आपको नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो लेटेस्ट आपको यहाँ पे अलॉटमेंट का यहाँ पे जो लेटर है पीडीएफ में, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि आप PMS ST अलॉटमेंट लेटर नंबर ये है, और डेट इसका यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2023-24 का है, और यहाँ पे एडवर्समेंट का जो डेट है 20/9/2024 का, ठीक है, यानी कि लेटेस्ट है। और यहाँ पे PFMS BC अलॉटमेंट लेटर, अगर आप BC हैं, BC का आप देखना चाहते हैं, ST का, ST या BC, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको 20 तारीख के डेट में यहाँ पे लेटर है। हम बैकवर्ड से हैं तो हम बैकवर्ड को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे BC वाले पे। यहाँ पे PDF आपको एक खुल जाएगा। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप रिलेटिव यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट जो अलॉटमेंट से रिलेटिव बातें हैं वो यहाँ पे लेटर में लिखी गई है, आपको नीचे आना है। बाकी आप बारीकी सब एक बार सब चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में आवंटित राशि की विवरण, ठीक है। और यहाँ पे जिला देखेंगे, और यहाँ पे आवंटन की राशि देखेंगे कि किस जिला में कितने आवंटन किया गया है, दिया गया है। अन्य क्षेत्रीय ठीक है, OSP का यहाँ पे डिटेल्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बोकारो जिला का फर्स्ट में है, तो बोकारो जिला का यहाँ पे आवंटन ये है, चतरा है, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, ठीक है। जितने जिले में हिसाब अगर आप हैं तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलने में ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा इसी महीने अक्टूबर में, ठीक है। और यहाँ पे कुल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे बैलेंस आपको दिख जाएगा कि इतना अमाउंटन है। यहाँ पे PSP जनजातीय क्षेत्रीय, ठीक है, अगर जो है तो यहाँ पे दुमका आ जाता है, दुमका, जमशेदपुर, गुमला, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रांची, साहेबगंज, सरायकेला, चाईबासा, और सभी जिलों के यहाँ पे जिला का नाम है, और यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे जिला, और यहाँ पे अलॉटमेंट जो भी अमाउंट किया गया पैसा वो यहाँ पे है, और यहाँ पे कुल टोटल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखा गया है कुल 2,58,18,31,000 रुपये मात्र, ठीक है। निवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के यहाँ पे सिग्नेचर डेट। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो आप पैसा मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बाकी जिलों से अगर आप हैं तो अगर पहले से उस जिला में पैसा अवेलेबल होगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो फिलहाल आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटिव हर तरह के अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ आपका दिन।